बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज दोस्तों, आपका दोस्त, आपका हमदर्द, बाप बेटी बिल्डर एंड रियल इस्टेट का सीईओ हूँ, जी एम मलिक, आपसे मुखातिब हूँ। आपके साथ मैं अपनी वीडियोस और वीलॉग्स जो है वो बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, शेयर करता रहता हूँ। आज भी जो मेरी वीडियो है ये बिजनेस से मुतल्लिक है और बहरिया टाउन के बिजनेस से मुतल्लिक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी वीडियोस और मेरी ये इंफॉर्मेशंस बर वक्त आप तक मिलती रहें, आपको पहुंचती रहें। शुरू करते हैं अल्लाह जल्ला जलालहु के नाम से, जो हम सब का पालने वाला और हम सब की हिफाजत करने वाला गफूर रहीम परवरदिगार है। अजीज दोस्तों, आज का जैसे मैंने बताया कि आज की वीडियो भी हमारी बिजनेस से मुतल्लिक है। बहरिया टाउन में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक पूरे कराची शहर से हट के अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस के हवाले से बहुत ही काबिले एतमाद इन्वेस्टमेंट है, ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट है। गुज़श्ता तीन चार दिन पहले से 19 तारीख से, जब तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है, SBCA से मैं इससे पहले एक व्लॉग के ज़रिए आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ और भी बहुत सारे लोगों से आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी होंगी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA ने 16,896 एकड़ बहरिया टाउन की तमाम ज़मीन का अल्हम्दुलिल्लाह NOC जारी कर दिया है। तो अब जो लोगों के एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जो गलत फहमियाँ थी, जो उसकी रिजर्वेशंस थी, जो खदशात थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो गलत फहमियाँ, वो खदशात और रिजर्वेशंस और जो भी वो ख्यालात थे या उनके क्वेश्चंस थे, तो वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गए हैं और एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इस वक्त आप कराची के आम इलाकों में भी चले जाएं, जो वेल डिवेल्प इलाके नहीं हैं, इर्द गिर्द के हिसाब से भी, सर्कमस्टांसेस के हवाले से, वेसिनिटी के हवाले से भी इतने कोई मकबूल या पोश इलाके नहीं हैं, इन अदर वर्ड्स। और फिर उनकी रोड्स या उनकी बाउंड्री वाल के अंदर नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको 120 गज का बहरिया टाउन में, ये जहन में रखें कि बहरिया टाउन का जो है 125 गज का है छोटा प्लाट जो है, और बड़े जो हैं वो फिर 250 और 500 और 1000 पे चले जाते हैं। तो यहाँ कराची शहर की जितनी भी वो स्कीम है उनमें छोटा प्लाट जो है वैसे तो 60 और 80 के भी हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल जो लोग लेते हैं अमूमन वो 120 यार्ड का है। तो 120 यार्ड का भी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपसे शेयर करूँगा। मैंने कुछ दो चार और भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका मैंने सर्वे किया है, तो मुझे हैरानी हुई है, नेशनल हाईवे पे हैं लेकिन बहरिया टाउन के मुकाबले में आपका कराची का इस वक्त DHA भी उसका मुकाबला नहीं करता, क्लिफ्टन भी उसका मुकाबला नहीं करता। वो जो डेवलपमेंट है, जो उसका लिविंग स्टाइल है, जो उसकी सफाई है, क्लीनलीनेस है, जो उसका सेवरेज सिस्टम है, जो उसके पार्किंग है, पार्क्स हैं, उसकी पार्किंग है, उसके रोड्स हैं, और फिर उसका वो जो माहौल है वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल वो एक वैसिनिटी है और इंसान का दिल करता है कि वो वहाँ पे रहे, वो किराए पे रहे या जाती घर पे। तो मैं आपको वहाँ की इन्वेस्टमेंट के लिए ये आने वाले दिनों में आप यकीनन मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, दुआएं भी देंगे कि मैंने आपको बड़ी एक अच्छा मशवरा दिया था। आप जितने जल्दी, मैं स्टेप बाई स्टेप मुख्तलिफ प्रीसेट्स के हवाले से आपको इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा। इस वक्त मुख्तलिफ जो सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, मैंने इससे पहले प्रीसेंट 31 के बारे में बताया था, आज मेरा जो है वो प्रीसेंट 27 का है। प्रीसेंट 27 भी जो है ये आमने सामने 27 के अपोजिट 27A है,
ये लंदन ब्रिज बड़ा मशहूर है, आप जैसे ही वो इसकी मेगा मस्जिद जो है, बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद जो है, जो बैरियर टाउन की है, उसको जैसे क्रॉस करते हैं अली ब्लॉक के बाद तो लंदन ब्रिज आ जाता है। लंदन ब्रिज के साथ ही उससे पहले जाते हुए राइट हैंड पे आपके वो प्रीसेंट 15 है और लेफ्ट हैंड पे आपको अली ब्लॉक जो प्रीसेंट 12 कहलाता है, अली ब्लॉक को जैसे ही और इसको क्रॉस करके मस्जिद को जैसे क्रॉस करते हैं और वहाँ पे मस्जिद के साथ एक यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है, तो वहाँ लंदन ब्रिज है। लंदन ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो राइट साइड में 27 है प्रीसेंट और लेफ्ट साइड में 27A है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे मेरी इस वीडियो के साथ मैंने अटैच कर दी है, मेरी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है, बड़े तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। तो ये बहुत ही आइडियल लोकेशन का प्रीसेंट है, प्रीसेंट 27 जो है। इस वक्त उसकी प्राइसेस जो है वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है और ये वक्त है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उससे, प्रॉपर्टी के कारोबार से आपको अगर दिलचस्पी है तो आप ज़रूर मुझे कॉल करें। मेरी नंबर जो है सामने डिस्प्ले हो रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ और आज भी बड़े दावे से कहता हूँ कि मैं बड़ी चैलेंज के साथ, बड़ी एतमाद के साथ, वेल एक्सपीरियंस होने के नाते मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट कराऊंगा उसकी बड़ी ग्रंटेड इन्वेस्टमेंट होगी इंशाल्लाह। मैं आपको उसकी मुकम्मल गारंटी दूंगा। आई एम टोटली डिफर देन अदर स्ट्रेटजेंट्स। मैं किसी की वो नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन हर आदमी जो बोलता है या जो गारंटी देता है या चैलेंज करता है तो वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर चैलेंज कर रहा होता है। तो मैं बड़ी चैलेंजेबल आपको अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट कराऊँगा और मैं उसकी गारंटी दूँगा, 100% प्रॉफिट की गारंटी होगी इंशाल्लाह। कहीं पे भी मेरी की हुई करवाई हुई इन्वेस्टमेंट जो है आपको के लिए नुकसान का बायस नहीं बनेगी, बल्कि इंशाल्लाह यू विल अप्रिशिएट टू मी। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपने वहाँ पे लिया हुआ है तो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी विद इन टाइम, बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी क्वालिटी के साथ और बड़ी नफासत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं उसकी कंस्ट्रक्शन करके दूंगा और बड़े रीज़नेबल प्राइस में, बड़े रीज़नेबल प्राइस में आपकी उसके मुताबिक आपकी जो अफोर्ड करते हैं आप, जिस हिसाब से आपके लिए इजी होगा तो वो एक कन्वीनियंट पेमेंट के तहत इंशाल्लाह आपको मैं उसकी कंस्ट्रक्शन करके दूंगा। तो आप रब्ता करें, मेरी आज की वीडियो जो है सारी उसका टोटल जो है इसका लुबे लुबाब वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें इस सिलसिले में, आपको यकीनन इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। और दूसरी अगर लॉन्ग टर्म करने तो इन्वेस्टमेंट की दो या तीन वो है, एक तो ये है कि आप बना के प्लाट लें और उसको कंस्ट्रक्शन करें और फिर हम सेल करें, ये थोड़ा सा तकरीबन विदन 1 ईयर लग जाता है, 8 महीने के दौरान जो है ये कंस्ट्रक्शन इससे पहले मुमकिन नहीं है। बैरियर टाउन में उसका 32 पॉइंट्स होते हैं, 32 स्टेप्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के, हर स्टेप पे बैरियर टाउन को जो हमें मेल के जरिए नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें उनसे अप्रूवल लेनी होती है। तो आप अगर देख लें कि 32 हफ्ते वैसे ही बनते हैं, एक हफ्ते के लिए मेल करें फिर उसका रिप्लाई लें तो 32 वीक्स वैसे ही बन जाते हैं, 4 वीक का 1 महीना, तो 8 महीने के करीब जो है इसकी उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो अगर हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 8 महीने के अंदर मुकम्मल होगी। तो अगर आप रहने के लिए या कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करने के लिए भी बनाते हैं तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बड़ी वो मेहनत है अल्लाह ताला उसमें बड़ी एक मख्फी जो है वो रिस्क हलाल है उसमें, अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत देता है परवरदिगार, मेहनत में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। तो आप
एक तो ये है कि प्लाट लें और उसको कंस्ट्रक्शन बने, दूसरा ये है कि आपने प्लाट लिया है उसको रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छा है, और तीसरा ये है कि आप लॉन्ग टर्म उसका करना चाह रहे हैं कि जी किसी ऐसी जगह में आपकी इन्वेस्टमेंट कराऊं जो उससे कम पैसों में कम कीमत में आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करा दूं ताकि साल दो साल के बाद वो उसके पैसे बढ़ जाएं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आप रब्ता करें इंशाल्लाह, मैं आपकी मेयार पे भी पूरा उतरूंगा और आपकी जो ख्वाहिशात हैं आपकी जो टारगेट्स हैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अचीव योर टारगेट्स। दुआओं के साथ याद रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें, अल्लाह जल्ला जलालहु हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।